वेलकम यूट्यूब चैनल मोनोटोवर्क। दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने TVS की कई बाइकों में देखा हो, जैसे TVS स्पोर्ट वगैरह में और TVS स्टार सिटी वगैरह में क्या होता है। देखिए, जैसे ये वाला सॉकेट जो है, आप इन वायर के कलर पर मत जाइए, ये तो हीरो की वायरिंग है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। देखिए, ये है इसमें फीमेल सॉकेट और ये है इसमें मेल सॉकेट। तो आपने देखा होगा TVS की बाइकों के अंदर, चाहे वो सॉकेट जो है कितनी भी वायर का हो, चाहे 6 वायर का हो या 4 वायर का हो या 5 वायर का हो, तो ये फीमेल और मेल सॉकेट होते हैं उनमें। कि इसमें मेल सॉकेट में तो हैं, सपोज समझ लीजिए आप, मेल सॉकेट में तो हैं 4 वायर और इसमें फीमेल में हैं 6 वायर, या इसमें हैं 4 वायर या इसमें हैं 6 वायर, ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। तो वो इसलिए होता है TVS स्पोर्ट में, अगर हम उसमें DC सिस्टम से वो चल रही है और हम उसमें AC सिस्टम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैग्नेट कोयल और उसकी CDI और HT कोयल, वो तो एक जगह रहती है वो, और इसका मैन लॉक। अगर मैन लॉक में 4 तार हैं तो वो चल जाएगा, अगर मैन लॉक में 2 तार हैं तो 4 तार वाला लॉक आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके उसमें AC सिस्टम से वो चलेगी। ठीक है, तो मैं बस ये आपको बताना चाहता था। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यह है TVS स्पोर्ट। इस बाइक में प्रॉब्लम यह है कि इसमें कनेक्ट नहीं आ रहा है और यह बाइक कई मैकेनिकों से रिजेक्ट होकर मेरे पास आई है, इसलिए इसकी वायरिंग कटी हुई है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। तो अगर हम बात करें इसकी मैग्नेट कोयल की, तो इसमें मैग्नेट कोयल जो है वो फिलहाल DC सिस्टम वाली लगी हुई है। फिलहाल जो है इसमें DC लगी हुई है मैग्नेट कोयल भी, और ये जो CDI होती है, वैसे तो इसमें दोनों मिक्स रहती हैं, लेकिन ये इसमें जो CDI है ये फिलहाल DC लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं इसकी वायरिंग, ये फिलहाल जो इसमें मैग्नेट कोयल है वो DC है। ये चॉकलेटी वायर जो आप देख रहे हो ये न्यूट्रल की है, और पीली वायर जो है ये लाइट के लिए है, और काले पर सफ़ेद लाइन ये अर्थिंग की है, और ये सफ़ेद वाली जो है ये चार्जर पर जाती है, यहाँ चार्जर पर, जिसके द्वारा 12 वोल्ट निकालता है चार्जर। तो फिलहाल इसमें जो है ये DC लगी हुई है। मैं आपको इसका कनेक्शन भी बता देता हूँ, फिर इसमें जो फॉल्ट है बहुत ही बड़ा फॉल्ट है उसकी तरफ चलेंगे। ये तो पिकअप कोयल की वायर होगी, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इधर देखिए, ये जो दोनों वायर हैं ये इकोनॉमी और पावर की हैं, जो यहाँ मीटर में इकोनॉमी और पावर की लाइट जलती है, जो हैं दो वायर हैं दोनों इकोनॉमी और पावर की हैं, ठीक है। ये पिकअप कोयल होगी। और अगर बात करें इस वाले कपलर की, तो इसमें देखिए ये ऑरेंज वायर थी जो मैंने यहाँ से डायरेक्ट की हुई है, फिलहाल ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। और ये जो दो वायर हैं ये केवल अर्थिंग। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चार्जर की भी 4.5 तार लगे हुए हैं, ये वाला भी और पीले वाला भी, ठीक है। और ये सिल्वर लाइट का ये वाला भी, ये दोनों वायर वैसे लाइट की हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। ये भी लगी हुई हैं और लाली भी लगी हुई है, और ये अर्थिंग भी लगा हुआ है, और जो आउटपुट निकलता है 12 वोल्ट वो भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से मैन लॉक पर जाता है ये वाला वायर लाल वाला, और यहाँ बैटरी पर भी आता है जिससे बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। अब मैं आपको करंट चेक कराता हूँ। देखिए, सारी वायर मैंने अलग अलग कर दी ताकि ये अभी टच ना हो जाए, और ये भी लगी हुई है। लॉक चेक करो, लॉक ऑन है या नहीं। लॉक भी ऑन है, और लॉक की वायर इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ लगी हुई है, ठीक है। ये कपलर लगा हुआ है। तो अब हम करंट चेक करते हैं। मैंने HT कोयल खोल के इस साइड ली हुई है ताकि हम आराम से करंट चेक कर सकें। चलिए, किक यूज कीजिए। तो ये करंट नहीं आ रहा है जबकि लॉक भी ऑन है। और अगर हम यहाँ पर करंट चेक करते हैं तो देखिए, लगाओ इंडिकेटर के तार, लगाओ इधर, लगाओ इधर,
इधर लाओ। अब की यूज करो, देखो इंडिकेटर नहीं जल रहा है जबकि दोनों वायर लगाई हुई हैं इंडिकेटर की, ठीक है। और अब हम आपको चार्जर पर करंट चेक कराते हैं। यहाँ से वायर दोनों हटा दिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर करंट चेक कराता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर के वायर एक यहाँ पे लगा दिए, जो आउटपुट निकलता है 12 वोल्ट, और अर्थिंग इसको हम यहाँ से लगा देते हैं जो बैटरी वाला होता है। चलिए किक यूज कीजिए, देखो यहाँ पे करंट आ रहा है। तो अब देखिए सिस्टम क्या है, करंट नहीं आया, जैसे कनेक्शन थे पहले ऐसे ही लगे हुए थे सारे, मतलब जब मैंने आपको यहाँ से दिखाया था सब लगे हुए थे। ये ऑरेंज वायर भी यहाँ पर लगी हुई थी जो 12 वोल्ट लेकर आती है एचटी इसके सीडीआई के लिए। अब हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं। आपको चार्जर पर करंट चेक करा दिया। ये ऐसे ही सिस्टम बनाते हैं, कहीं इसमें डीसी वायर दिए हुए हैं डीसी सिस्टम की, कहीं एसी सिस्टम की, इसलिए दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब आरआर यूनिट से डायरेक्ट, मतलब ये ट्रिक आप यूज जरूर यूज कीजिएगा अगर आपकी गाड़ी दिक्कत कर रही है, करंट नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ से लिया सीधा, ये वायर कटी हुई थी यहाँ से। अब करंट जब आरआर यूनिट करंट बनाएगा तो और कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने ये जो वायर है डायरेक्ट इसको बस यहाँ से काट के इधर भेजा ही नहीं, केवल सीधा, और यहाँ से भी हमने इसका काट के केवल एचटी कोयल में दिया है। अब और कहीं करंट जाएगा ही नहीं, अगर शॉर्ट सर्किट ही होगा तब भी करंट आएगा। चलिए किक यूज कीजिए लॉक, अब लॉक ऑन करने की भी जरूरत नहीं, जोर से लगाओ किक। देखिए देखिए करंट आ रहा है। तो अब इस गाड़ी में जो है शॉर्ट सर्किट की समस्या है, हमने यहाँ से लिया करंट, डीसी वायर लिया है, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया यहाँ से करंट लिया लाल वायर से, और कहीं भेजा ही नहीं ताकि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, और यहाँ से इसको हटाया हुआ है और यहाँ डायरेक्ट इसमें लगा दिया, ठीक है। अब हम इसका शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट 100% है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट देते हैं तो करंट आता है, और अगर यहाँ से और अदर वायरिंग में भेजते हैं, यहाँ से ये वाली वायर लगा के इस वाली वायर के द्वारा अंदर वायरिंग में 12 वोल्ट भेजते हैं, और फिर वहाँ से लॉक से वापस यहाँ पर आने के बाद, तो वो जो करंट है सारे में चला जाता है, मतलब सभी जगह पर वायरिंग में जहाँ 12 वोल्ट जाता है, और शॉर्ट सर्किट के कारण फिर इस यहाँ पर एचटी कॉइल पर करंट आता ही नहीं। तो देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें जो है शॉर्ट सर्किट की समस्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कैसे प्रॉब्लम कर रही है, और जो वायर जैसे आती है मैंने ऐसे ये लगा दिया है, भले ये कटी हुई हो, देखिए ये भी यहाँ से हमने अलग जोड़ा था ये भी लगा दिया, और ये यहाँ से काटा हुआ था ये भी लगा दिया यहीं पे, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे कर दिया, लॉक के वायर भी लगी हुई है, लॉक के वायर भी, और यहाँ से देखिए इसमें शॉर्ट सर्किट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिकेटर में यहाँ से 12 वोल्ट गया, ठीक है। 12 वोल्ट जाने के बाद अब अर्थिंग इंडिकेटर को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट है, इधर सारी वायरिंग में अर्थिंग गया हुआ है, और जहाँ शॉर्ट हो रहा है वहाँ से इसमें लाल वायर में अर्थिंग आ रहा है, क्योंकि ये गया है तो कहीं शॉर्ट हो रहा है तो इसमें भी अर्थिंग आ रहा है। तो हम इस अर्थिंग को यहाँ दे देते हैं इंडिकेटर में, और ऑरेंज वायर जो आप देख रहे हो ये वाली इससे 12 वोल्ट मिल रहा है इंडिकेटर पर, इंडिकेटर जल रहा है। अब हम इसके वायरिंग के सारे जो कपलर हैं उनको निकाल कर देखते हैं, और देखते हैं शॉर्ट कहाँ पर है, ठीक है। जब भी इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा तभी समझ लेंगे कि शॉर्ट सर्किट निकल चुका है,
ठीक है, सभी वायर जैसे थी ऐसे ही लगी हुई हैं, भले ही ये कटी हुई हूँ। देखिए इंडिकेटर जल रहा है, जबकि देखिए 12 वोल्ट इधर गया और अर्थिंग यहाँ से आ रहा है, इधर जाने के बाद कहीं शॉर्ट हो रहा है और शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर अर्थिंग आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं शॉर्ट कहाँ पर है। दोस्तों हमने जो वायर निकाली थी ये वाली भी लगा दी, और यहाँ पर जो CDI में लगी रहती है वो भी लगा दी, और हमने केवल फ्लेशर ही निकाला था, और फ्लेशर के बाद ये बैकलाइट वाला सॉकेट जैसे ही निकाला तो इंडिकेटर जो है तुरंत बंद हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट जो है वो बैकलाइट की तरफ ही है कहीं में। ठीक है, देखिए लॉक भी ऑन है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और अब जो है शॉर्ट सर्किट निकल गया। अब कनेक्ट चेक करते हैं। लाओ बस, ये करंट आ रहा है। ये वायर भी हमने 12 वोल्ट वायरिंग में भेजी हुई है, और यहाँ से ली इनपुट भी लिया हुआ है ऑरेंज वायर में। ठीक है, लगाओ। अब देखिए इसको लगाते हैं, देखिए इंडिकेटर फिर से जलने लगा है। लगाओ। और अब हम करंट चेक करते हैं, देखिए अब करंट नहीं आ रहा है इसमें। देखिए लॉक भी इसका ऑन था, तो मैंने इसकी जो बैकलाइट का शीशा होता है उसको खोल दिया है, बैकलाइट के कवर को इसके, और हम इसका बल्ब निकाल के देखते हैं। वैसे बल्ब जो है वो देखने में शॉर्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट है। देखिए कपलर लगा हुआ है और इंडिकेटर भी बंद हो गया जैसे ही हमने बल्ब निकाला। दोस्तों ये ट्रिक आप ज़रूर यूज करें अगर आपके पास करंट की प्रॉब्लम आती है किसी भी बाइक में। देखिए ये जो वायर निकली चार्जर से 12 वोल्ट लेकर, उसको CDI की जो 12 वोल्ट इनपुट है उसमें ऐसे लगा देना है, यहाँ से करंट चला और ऐसे घूमते हुए केवल ST कोयल पर ही आएगा, और अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तब भी गाड़ी में करंट आएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।